नमस्कार, मैं अतुल ज्वाला राव इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच में हंसने और हंसाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, यहाँ हंसाने के लिए आया हूँ। और क्यों हंसाना पड़ता है कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ। और आपके चेहरे पर ये हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तालियों के साथ ज्वाला और लावा लिए हुए अब आपके बीच आ रहे हैं श्रीमान अतुल ज्वाला जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम माता बागवागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। न्यूज नेशन के समस्त दर्शकों को होली की शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा कविता पाठ सबने किया। आदरणीय प्रेरणा ठाकरे जी अभी कविता पढ़ रही थी, उन्होंने बताया कि वो अफीम उगाने वाली धरती से आती हैं। प्रेरणा जी, हम भी कम नहीं है, थोड़ा बहुत गांजा और भांग तो हम भी उगा लेते हैं। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, मालवा से आया हूँ, ज्यादा टेंशन की बात करता नहीं हूँ। देखिए, सरकारें बदल गई, राजनीति की बातें हो रही हैं, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, कोई विशेष अंतर अक्षय जी आया नहीं। अच्छा? एक अंतर जरूर आया, सरकार बदली। हाँ। पहले वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था। हाँ। अब वाला चुप नहीं होता है। बहुत मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। हाँ। मैंने कहा, प्रभु जब खाओगे नहीं खाने भी नहीं दोगे। खाने नहीं दोगे तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है? इस सोच में भी शौचालय है। राजनीति की बात मैं इसलिए नहीं करता हूँ। हाँ। क्या आप देखिए, बात यहाँ तक थी तो ठीक था, उधर राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पर आकर कहती है जहाँ सोच है। मंच पे देखिए, नोटबंदी का जमाना है, ये फिरोज सागर जी को देखिए उधर, ऐसा लग रहा है, आप पहले मुझे देखिए। हाँ। मैं आप मुझे देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, 10 का नोट। आज सब बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह समझते हैं 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चली जाता है। फिरोज सागर को देखिए, ये 1000 का नोट है, आधी रात को कभी भी बंद हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये मनोज गुजर है। हाँ। ये 10 का सिक्का है। अच्छा, लोगों को अक्षय जी भरोसा ही नहीं है कि ये असली है कि नकली है। बहुत पते की बात है। लेकिन सरकार ने कह रखा है। हाँ। कि जो इसको नकली मानेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, हमारे लिए असली है, हमारे लिए असली है। ये केसरदेव मारवाड़ी जी है, इनका रंग देखिए ऐसा लगता है जैसे 500 का नया नोट। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 2000 का नोट सबसे बीच में बैठा हुआ है गुलाबी रंग में। क्या बात है, क्या बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 2000 के नोट की यही दिक्कत है कि वह छुट्टा नहीं हो रहा है। देखिए, नोटबंदी हुई, सब परेशान हुए, तो मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन की कि नशा चढ़ ही नहीं रहा किसी भी दारू या वाइन में, नशा चढ़ ही नहीं रहा था किसी भी दारू या वाइन में, पूरा देश फंसा पड़ा था उर्जित पटेल की साइन में, और नोट बंद कर मोदी जी ने क्या झटका मारा, दूल्हा सुहागराज छोड़ लगा है एटीएम की लाइन में। हाय हाय हाय। दर्द देखिए, दर्द समझिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो क्या राजनीति की बातें नहीं करता हूँ। होली का माहौल है, हास्य व्यंग का माहौल है, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम इतने एडवांस होते हैं कि गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं। दिल्ली में आप देखिए, सरकार ने एक योजना चलाई पूरे देश में, बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में लड़कियां हैं सरकार 25,000 रुपए इनाम देगी जिनके घर में 2 लड़कियां हैं। मेरा एक मित्र रहता है दिल्ली में, उसके यहाँ एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपए मिल जाते। हाँ। उसने उसकी घरवाली से कहा कि देख, तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो क्या, कि आज से 5 साल पहले
मेरठ में मेरे से गलती हो गई थी। लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं। हाँ। तो एक तो अपनी पिंकी, एक गलती हो गए तो 25,000 रुपए मिल जाएंगे। हाँ। उसकी घरवाली ने घंटे तक रोना पीटना मचाया। हाँ। उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली तो कहा जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, मेरठ गया, गलती को नहलाया धुलाया, लेके आया और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए दो। किसी का बाप अपने को 25,000 रुपए लेने से नहीं रोक सकता है। हाँ। तू बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए कौन। क्या बात है ज्वाला साहब, कि कौन ले गए? तो कि जिसकी गलती थी मथुरा वाले ले गए उसको। तो जरूरी थोड़ी है गलती किसी एक से ही होगी। राजनीति का माहौल चल रहा है आज, देखिए होली का माहौल है जब कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता है। हाँ। होली का प्रतीक होता है गधा। अक्षय जी। हाँ जी। पिछले दिनों गधे के साथ अक्षय जी आपने जिस अंदाज में कहा है। कोई बात नहीं, आजकल गधा ही नहीं है। तो आप देखिए गधा होली का हास्य का प्रतीक होता है। हाँ। गधे की बड़ी चर्चा हुई, मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ संदेश के साथ में, राजनीति के माहौल में, कि बदलाव जरूरी है परिवेश के लिए। हाँ। बदलाव जरूरी है परिवेश के लिए, कदम उठाना पड़ेगा इस देश के लिए। तो हमने सोचा कि एक जुगत भिड़ा लो और भ्रष्टाचारी नेता के सामने गधे को चुनाव लड़ा दो। कि भ्रष्टाचारी नेता के सामने गधे को चुनाव लड़ा दो। तो एक मित्र बोला कि ये जीतेगा जरूर, इसकी बड़ी धाक है, अरे इस गधे से वो गधा ज्यादा ठीक ठाक। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस गधे से वो गधा ज्यादा ठीक ठाक है, अरे कोई गधे से ज्यादा मेहनत कश और वफादार हो नहीं सकता, अरे गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब ज्वाला साहब। इस गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। तो एक मित्र बोला कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता। हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। और व्यंग की दो पंक्तियों पे तमाम सुधीर श्रोताओं का आशीर्वाद और समर्थन चाहता हूँ कि एक मित्र बोला कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता। हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब गधे का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। अरे दो में से एक गधा चुनना हमारी मजबूरी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो सुंदर तालियां अतुल ज्वाला साहब के लिए।